दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चीन के J-10 फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे। J-10 चीन का एक होम ग्रोन लड़ाकू विमान है। आप इसे चीन की वायुसेना की बैकबोन की तरह समझ सकते हैं। अभी तक चीन ने 500 के करीब J-10 फाइटर जेट बना लिए हैं और अगर भारत के साथ जंग होती है तो चीन ये फाइटर जेट हमारे खिलाफ भेजेगा, इसलिए इसकी कैपेबिलिटी को जानना जरूरी है। ये चीन का एक सिंगल इंजन लाइट वेट फाइटर जेट है। इसका डेल्टा विंग डिज़ाइन है जिसमें कनार्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। इसे चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। J-10 चीन का पहला ऐसा विमान है जिसके बारे में चीन ये दावा करता है कि ये उसने खुद डिज़ाइन किया है और खुद बनाया है, लेकिन इस दावे को भी दुनिया शक की निगाह से देखती है। इस फाइटर जेट के बारे में दावे हैं कि ये इजरायली लावी प्रोजेक्ट की एक कॉपी है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि इसराइल ने लावी प्रोजेक्ट को बंद कर इसके प्लान्स चीन को बेच दिए थे, लेकिन चीन का दावा है कि ये लावी प्रोजेक्ट की कॉपी नहीं है। खैर, आप चीन के दावों के बारे में तो जानते ही हैं, तो चलिए और देर ना करते हुए इस फाइटर जेट के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस फाइटर जेट के 3 वेरियंट्स हैं, J-10A, J-10B और J-10C। J-10A वेरिएंट इसका सबसे बेसिक वेरिएंट है और जो J-10B वेरिएंट है वो J-10A वेरिएंट का एक अपग्रेड वेरिएंट है। और अभी J-10C सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है जो कि AES रडार और चाइनीज इंजन्स के साथ आता है। इसके अलावा इसका एक वेरिएंट थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ भी दिखाया गया था, लेकिन वो केवल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो चलिए अभी इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। ये एयरक्राफ्ट एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। इसकी लेंथ 16.43 मीटर्स की है और इसका विंग स्पैन 9.75 मीटर्स का है। इसकी हाइट 5.43 मीटर्स की है और विंग एरिया 33 मीटर स्क्वायर्स का है। इसका एम्प्टी वेट 9,750 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 12,400 किलोग्राम है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 19,277 किलोग्राम है। इसमें एक रशियन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सैचन AL31FN आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 79.43 kN का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और 125 kN का आफ्टर बर्नर के साथ वेट थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके बाद ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि इस एयरक्राफ्ट में चाइना द्वारा बनाया गया WS-10A इंजन लगाया गया है, लेकिन उसके बारे में ऐसी रिपोर्ट थी कि ये इंजन इतना अच्छा नहीं था, जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट में इस इंजन को इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी टोटल रेंज 3,200 किलोमीटर की है और इसकी कॉम्बैट रेंज 1,250 किलोमीटर की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड Mach 2.2 की बताई जाती है और इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 18,000 मीटर की बताई जाती है। इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो की अगर हम बात करें तो इसके रशियन इंजन AL31F इंजन के साथ इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.15 है और जो चाइनीज इंजन है उसके साथ इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.16 है। तो चलिए अभी इसके इंजन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जो J-10A वेरिएंट है उसे एक सिंगल रशियन सैचन AL31FN टर्बोफैन इंजन के साथ पावर किया जाता है, जिसके थ्रस्ट के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये रशिया के Sukhoi-27 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले AL31F इंजन का एक वेरिएंट है। इसे एक छोटे J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट में फिट करने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है। इसके कुछ इंजन पार्ट्स को मूव किया गया है और इसे एक छोटे इंजन बे में फिट करने के लिए रीडिज़ाइन किया गया है। J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट को एक चाइनीज WS-10 टाईहांग टर्बोफैन इंजन से पावर किया जाना था, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ के कारण इस इंजन को इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। जो रशियन इंजन है उसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो सर्विस लाइफ है वो 2,250 आवर्स की है, जो कि बाकी इंजन्स के मुकाबले में काफ़ी कम बताई जा रही है। और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में एक WS-10 थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें लगाए जाने चाइनीज इंजन WS के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस इंजन के बारे में ऐसी जानकारी दी गई है कि इसका मैक्सिमम थ्रस्ट 120 kN से लेकर 114 kN तक का है, यानी कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रिलीज़ नहीं की गई है। इसी कारण से इसके थ्रस्ट वैल्यू के ऊपर अंदाज़ा ही लगाया गया है। इसका जो थ्रस्ट वेट रेशियो है वो 7.5 का है। तो चलिए अभी इसके रडार के बारे में बात कर लेते हैं। इसके रडार के बारे में भी आपको बता दें कि इसके रडार के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है।
इस एयरक्राफ्ट में जो AES रडार लगाया गया है उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है कि इसमें कौन सा रडार लगाया गया है। लेकिन इसका जो J-10A वेरिएंट है उसमें एक KLJ-7 पल्स डॉपलर फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो इसके बाद में J-10B और J-10C वेरिएंट आए हैं उसमें इसका एक अपग्रेड वेरिएंट KLJ-7A लगाया गया है जो कि एक AES रडार है। इस रडार के बारे में ऐसी जानकारी दी गई है कि ये रडार 170 किलोमीटर की रेंज के ऊपर फाइटर जेट की साइज़ वाले टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और बड़े टारगेट्स के लिए इसकी डिटेक्शन रेंज 200 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि इसमें 1000 से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स लगाए गए हैं लेकिन अंदाज़ा है कि इसमें 1200 के करीब TR मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स सीक्रेट हैं तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक J-10B वेरिएंट में AES रडार का इस्तेमाल किया गया है तो ऐसा हो सकता है कि जो J-10C वेरिएंट है उसमें भी इसी रडार का इस्तेमाल किया गया हो। इस रडार के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये 15 टारगेट्स को एक टाइम पर ट्रैक कर सकता है और एक ही टाइम पर 4 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। इसमें 11 मोड्स फॉर ऑपरेशन हैं जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड भी है। तो चलिए अभी इसके बाकी एवियोनिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम जिन एवियोनिक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं एयरक्राफ्ट के बाहर माउंट किए जाते हैं यानी कि इसके एक्सटर्नल विंग पाइलन्स के ऊपर इन एवियोनिक्स को माउंट किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Hongwang-1 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक पॉड के बारे में। ये चाइना द्वारा बनाया गया एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक पॉड है जिसे कि एक्सटर्नली माउंट किया जाता है। इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी पब्लिक में रिलीज़ नहीं की गई है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में एक BMKG-300G सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड लगाया गया है। इस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड के बारे में अगर हम बात करें तो ये चाइना द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड है जिसे कि 1998 में पहली बार दिखाया गया था। इस जैमिंग पॉड के बारे में ऐसा बताया गया है कि इसे खास तौर पर लैंड बेस्ड एयरबॉर्न और नेवल रडार्स को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसे खास तौर पर पल्स डॉपलर रडार्स के लिए बनाया गया है। ये पॉड काफ़ी हाईली डिजिटाइज्ड है और इसे बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगाया जा सकता है। इस जैमिंग पॉड के बारे में भी ज़्यादा जानकारी रिलीज नहीं की गई है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में एक KZ-900 इलेक्ट्रॉनिक रिकनसेंस पॉड लगाया गया है जे भी चाइना द्वारा बनाया गया एक रिकनसेंस पॉड है। ये एक एयरबॉर्न सिग्नल इंटेलिजेंस पॉड है जिसे कि चाइना की मिलिट्री इस्तेमाल करती है। इस पॉड को रडार सिग्नल्स को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत तरह की फ्रीक्वेंसी के ऊपर रडार सिग्नल्स को कलेक्ट कर सकता है। हालांकि इसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी क्लासिफाइड है लेकिन इसे बहुत तरह के एयर शोज और डिफेंस एग्जीबिशन में दिखाया गया है। इसके बाद इसका एक नया वेरिएंट भी बनाया जा रहा है जो कि नए तरह के डाटा बस के साथ कंपैटिबल होने वाला है। इसके साथ ही इसमें एक ब्लू स्काई नेविगेशन अटैक पॉड को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ब्लू स्काई एक कंबाइंड एयरबॉर्न नेविगेशन एंड टारगेटिंग पॉड है। इसे चाइनीज एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। ये ऑल वेदर नाइट अटैक कैपेबिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। इसे अमेरिकन एयरफोर्स के LAN-TIRN सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाता है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स बनाए गए हैं लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पब्लिक में रिलीज़ नहीं की गई है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के साथ एक फ्लैट फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड एंड लेजर टारगेटिंग पॉड को भी लगाया जा सकता है। ये एक एयरबॉर्न टारगेटिंग पॉड है जो कि इस एयरक्राफ्ट को ऑल वेदर नाइट अटैक कैपेबिलिटीज़ देता है। तो चलिए अभी इसके एयर फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एयर फ्रेम को मेटल अलॉयस के साथ बनाया गया है और कंपोजिट मटेरियल्स के साथ बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट के एरोडायनामिक लेआउट में एक टेल लेस कनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया गया है। इस कॉन्फ़िगरेशन से इस एयरक्राफ्ट को काफ़ी हाई एजिलिटी मिल जाती है और ये लो स्पीड्स के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके नए वेरिएंट्स में एक डाइवर्टर लेस इंटेक का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे इसके रडार क्रॉस सेक्शन में भी काफ़ी कमी आई है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हैं जिसमें से 6 हार्ड पॉइंट्स विंग्स के नीचे हैं और 2 हार्ड पॉइंट्स इंटेक के नीचे हैं और 3 हार्ड पॉइंट्स फ्यूजलाज के नीचे हैं। ये सभी हार्ड पॉइंट्स मिलकर 7000 किलोग्राम के एक्सटर्नल फ्यूल और ऑर्डिनेंस को कैरी कर सकते हैं। इसके अगर कॉकपिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कॉकपिट में एक बबल कैनपी का इस्तेमाल किया गया है। इसके कॉकपिट को एक 2-पीस बबल कैनपी के साथ कवर किया गया है जो कि इसको एक 360 डिग्रीज की विजुअल कवरेज प्रोवाइड करती है। इसके कॉकपिट में 3 लिक्विड क्रिस्टल LCD डिस्प्लेस का इस्तेमाल किया गया है जो कि मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस हैं। इसके साथ ही इसमें एक चाइना द्वारा डिवेल्प की गई होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले का भी इस्तेमाल किया गया है और इस एयरक्राफ्ट में चाइना द्वारा बनाई गई
हेलमेट माउंटेड साइट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इनके बारे में चाइना का दावा है कि जो सुखोई 27 एयरक्राफ्ट के साथ चाइना हेलमेट माउंटेड साइट्स मिली थीं उसके मुकाबले में चाइनीज साइट्स ज़्यादा सुपीरियर हैं। इसके वेपन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये अलग अलग तरह के वेपन्स को कैरी कर सकता है। इसमें एक GSI-23 मेन गन लगाई गई है और ये 90mm अनगाइडेड रॉकेट पॉड्स को भी कैरी कर सकता है। ये अलग अलग तरह के बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है जिसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, ग्लाइड बॉम्ब्स, सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स और अनगाइडेड बॉम्ब्स शामिल हैं और ये 3 एक्सटर्नल फ्यूल ड्रॉप टैंक्स को भी कैरी कर सकता है। इसकी एयर टू एयर मिसाइल कन्फिग्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये PL-8, PL-9, PL-10 और PL-11 और PL-12 और PL-15 मिसाइल को कैरी कर सकता है और ये PJ-9 और YJ-9 के एयर टू सरफेस मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इसकी एयर टू एयर मिसाइल की कैपेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी बियॉन्ड विजन रेंज कैपेबिलिटी को काफ़ी हाइप किया जाता है जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क के द्वारा किया जाता है। इसमें PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एक्टिव रडार गाइडेड वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसे कि चाइना और पाकिस्तान दोनों द्वारा काफ़ी हाइप किया गया है। इस मिसाइल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये Mach 4 की रफ्तार से उड़ सकती है। इसमें ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है और ये एक 4 मीटर लंबी मिसाइल है। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये मिसाइल चाइना के पास पहले से मौजूद PL-12 मिसाइल के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी है और इसकी रेंज भी ज़्यादा है और इसमें इंक्रीज्ड एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी भी है। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट PL-12 मिसाइल को भी कैरी करता है जो कि चाइना द्वारा बनाई गई AMRAAM मिसाइल जैसी ही एक मिसाइल है। इस मिसाइल के बारे में चाइना दावा करता है कि इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है और इसका वजन 180 किलोग्राम है। ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर के ऊपर काम करती है। ये एक एक्टिव रडार गाइडेड बियॉन्ड विजन रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। यही मिसाइल चाइना ने पाकिस्तान को भी दी है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में PL-10 इन्फ्रारेड होमिंग एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। तो चलिए ये तो हो गई इस एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि क्या ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है या नहीं। अगर हम इस एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ध्यान रखकर बात करें तो स्पेसिफिकेशंस के मामले में तो ये हमारे खिलाफ एक बड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता है, लेकिन अगर चाइनीज इक्विपमेंट के बारे में ध्यान से देखें तो उनमें काफ़ी कमियां हैं। जो चाइनीज एयरक्राफ्ट हैं उसके बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि ये रशियन एयरक्राफ्ट से भी इन्फीरियर हैं। अगर इसके रडार के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में एनालिस्ट मानते हैं कि इनके जो रडार हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। इन रडार्स की कमियों को पूरा करने के लिए चाइना ने इनमें ज़्यादा TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही जितनी पावर इन TR मॉड्यूल्स को चाहिए उतनी पावर J-10 एयरक्राफ्ट के इंजन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इसकी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो भी काफ़ी हाइप्ड हैं, लेकिन वो अपनी हाइप के ऊपर खड़ी नहीं उतर पा रही हैं। जो उनकी PL-15 मिसाइल है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये असल में एक Anti-AWACS मिसाइल है जो कि बड़े टारगेट्स को हंट करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये फाइटर एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा रेंज के ऊपर काम नहीं कर पाएगी। अगर इसे फाइटर एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट आपको इस्तेमाल करना है तो आपके एयरक्राफ्ट की रडार रेंज भी काफ़ी मायने रखती है, और अगर आपके एयरक्राफ्ट की रडार रेंज ही कम है तो इस मिसाइल की अगर रेंज उससे ज़्यादा भी हो तो फिर भी आप इतनी लंबी दूरी की रेंज वाली मिसाइल को इतनी दूर तक कम कैपेसिटी के रडार के साथ गाइड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।